आज की इस वीडियो में हम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाना सीखेंगे। तो इस सीरीज टेस्टिंग बोर्ड को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक 5-पिन सॉकेट लगाई है, एक हमने यहाँ पे बेल पुश बटन लगाया है और एक 1-वे स्विच लगाया है और एक बल्ब होल्डर लगाया है। अभी हम इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके कनेक्शन पॉइंट आपको दिखाई देंगे। 2 होल्डर के हैं, 2 ये 1-वे स्विच के हैं, 2 बेल पुश बटन के हैं और 3 सॉकेट के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमें जो वायरिंग करनी है फ्रेंड्स, जो ये दोनों स्विच है, एक बेल पुश बटन और एक 1-वे स्विच है, इन दोनों को नीचे वाले टर्मिनल जो है वो इस तरह से वायर लेंगे और इन दोनों को हम कॉमन बना लेंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहां पे ये ज्वाइंट कर लिया है और इनको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो ये कनेक्शन हमारे हो जाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा बेल पुश बटन है, ये वाला बेल पुश बटन है, इसका जो ऊपर का ये वाला टर्मिनल है, इसको हम सॉकेट के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक छोटी सी वायर लेंगे, इस वायर को हम इसका जो ऊपर का सिरा है यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद फ्रेंड्स, जो इसका ये दूसरा सिरा है, इसको हम सॉकेट के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और इसको भी अच्छे से टाइट कर देते हैं। अभी फ्रेंड्स, जो ये सॉकेट का ये वाला लाइन, यानी कि सॉरी न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ में हम वायर कनेक्ट करने वाले हैं और उस वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कनेक्ट कर ली है और इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे। और इसको फ्रेंड्स, हम इसका जो दूसरा एंड है, इसको हम 1-वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करेंगे। 1-वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ में करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान में रखना आपको ये, ठीक है। और इसी के साथ में फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, एक वायर और लेंगे इस तरह से, ठीक है, छोटी सी, और इस वायर को इसी के साथ में हम कनेक्ट कर लेंगे। तो इन दोनों वायर को एक साथ जोड़ने के बाद हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, ठीक है। अभी फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं या इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं या आप आईटीआई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की इलेक्ट्रीशियन के लिए बुक बनाई है हमने। इसके अंदर आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का डाटा देखने को मिलेगा, सारी जानकारी आप इसके अंदर देख सकते हैं। हाई लेवल के इसके अंदर आपको सर्किट डायग्राम देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का डाटा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर स्टार्टर के भी आपको इसके अंदर सर्किट डायग्राम देखने को मिलेंगे। और तो और फ्रेंड्स, आपको टूल के बारे में भी जानकारी सारी देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी मोटी सी बुक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से। तो फ्रेंड्स, अभी हम आगे की वायरिंग करते हैं। तो जो ये वाली वायर बचती है फ्रेंड्स, इस वायर को हम क्या करेंगे, जो हमारा ये होल्डर का ये ऊपर वाला टर्मिनल है, इसके साथ में इसको कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो इंटरनल वायरिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हमें इसके अंदर फेज और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करनी है। जो फेज वायर होगा फ्रेंड्स, उसको हम क्या करेंगे, जो ये हमने नीचे 2 कॉमन बनाए थे, उनको एक टर्मिनल पे हम फेज वायर कनेक्ट कर देंगे और जो न्यूट्रल होगा उसको हम होल्डर के इस न्यूट्रल वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। हमारे पास ये 2 वायर हैं जिसके अंदर फेज और न्यूट्रल आएगा। इनको हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से जो इसका बॉक्स है उसके अंदर से निकाल लेना है। निकालने के बाद जो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, जो फेज वायर है, स्विच के एक टर्मिनल के साथ में इसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेज वायर को इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, होल्डर वाले टर्मिनल के अंदर इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, अभी जो हमारे ये पॉइंट्स हैं वो लूज हैं, अभी हम सबको इनको टाइट कर देते हैं। जो हमारे कनेक्शन पॉइंट थे वो सभी के सभी हमने टाइट कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, जो ये बॉक्स है इसको इसके ऊपर अच्छे से टाइट कर लेंगे और फिर आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनके हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से एक 100 वाट का या 60 वाट का यहाँ पर बल्ब लेना है और इस होल्डर के अंदर आपको बल्ब लगा देना है। तो यहाँ पे हमने बल्ब को लगा दिया है। फ्रेंड्स, जो ये वायरिंग की है हमने इस बुक के अंदर, ये सीरीज बोर्ड, सीरीज पैरेलल बोर्ड, सारी वायरिंग की हुई है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको ले भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ये फेज और न्यूट्रल वायर कनेक्ट की थी, उसको हमने सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, अगर हमें इस बल्ब को ऐसे ही ऑन करना है, यानी कि जलाना है, यहाँ पर अंधेरा वगैरह है तो यहाँ पर आपको लाइट जलानी है, तो आप इस बटन को दबाएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम इसको लाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें इसके साथ में कुछ टेस्ट करना है तो क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे आपको एक ये प्रेस है हमारे पास, इसको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से इसका जो प्लग है इसके अंदर लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद फ्रेंड्स, ये आपको बेल बटन दबाना है। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमारी प्रेस है ये अभी सीरीज में कनेक्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो ये बल्ब हमारा बिल्कुल डिम जल रहा है, यानी कि कम जल रहा है,
जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा। अभी ये सीरीज के अंदर चल रहा था फ्रेंड्स। आपको इसके अंदर ये ध्यान में रखना है कि जब आप टेस्ट कर रहे हो तो आपको ये बटन नहीं दबाना है। अगर आप ये दबा के रखेंगे तो इसका दबाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये बंद करना है, उसके बाद आपको ये बेल पुश बटन दबाना है, तब भी ये काम करेगा। फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक नए तरीके का सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बना सकते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर आपको ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।